तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं न्यू टेक। तो आज मैं दिखाऊंगा SBI डेबिट कार्ड अनबॉक्सिंग और दिखाऊंगा आप कैसे SBI यूनो एप्लीकेशन में डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा डेबिट कार्ड आपके लिए अच्छा होगा, ये भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने के पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए सबसे आगे वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले मैंने फाड़ के रखा है, तो चलिए इसकी अंदर क्या क्या है आपको दिखाएंगे। तो ये डेबिट कार्ड रखने का एक पॉकेट है, आप इसके अंदर आपका डेबिट कार्ड रख सकते हो। तो इसको साइड कर लेता हूँ। डेबिट कार्ड के बारे में इसमें सारे कुछ दिया हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो इसको मैं साइड कर लेता हूँ। तो इस तरह की होगा आपका वीसा क्लासिक चिप डेबिट कार्ड। तो इसको देख लीजिए। तो चलिए SBI यूनो एप्लीकेशन में इसको कैसे अप्लाई करें ये आपको दिखाऊंगा। पहले इसको लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद MPIN। उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट यहाँ पे प्रेस करना होगा। उसके बाद ATM डेबिट कार्ड में प्रेस करना होगा। यहाँ पे आपका प्रोफाइल पासवर्ड डाल देना होगा, उसके बाद सबमिट। यहाँ पे रिक्वेस्ट न्यू रिप्लेसमेंट यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए आपका। उसके बाद आपका नाम लिख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे आप कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका मन पसंद से कार्ड ले सकते हैं, चाहे रुपए हो चाहे वीसा मास्टर कार्ड। मेरे किस्मत में रुपए क्लासिक कार्ड लेना अच्छा हुआ, क्योंकि यह पेटीएम एप्लीकेशन में एक्सेप्ट करता है और रिवॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे परमानेंट क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे एग्री कर देना, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर देना। आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, यहाँ पे फ्लैप कर देना, उसके बाद सबमिट पेस्ट कर देना। सबमिट कर देने के बाद डेबिट कार्ड सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। कार्ड अप्लाई होने के बाद 7 दिन के अंदर आपके घर आ जाएगा। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए सबसे आगे वीडियो पाने के लिए। तो गुड बाय, जय हिंद।